झुंझुनू में इन दिनों जेब कतरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया है। यहां दो अलग अलग जगहों पर चार जेब कतरों को दबोचा गया है। इनमें से तीन बाल अपचारी हैं। यह गिरोह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वारदात को अंजाम देता है। पहला मामला बीडी के अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए आए एक मरीज की जेब से रुपए पार करने की फिराक में एक नाबालिग जेब कतरा पकड़ा गया। सूत्रों की माने तो ये जेब कतरने वाला गिरोह सीकर से आया है। करीब एक दर्जन की संख्या में ये जेब कतरे जब झुंझुनू स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने जेबों की तलाशना शुरू कर दिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर भी तीन जेब कतरे पकड़े गए। इनमें से एक बालिग जेब कतरे को जीआरपी पुलिस रिंगस ले गई, वहीं दो नाबालिगों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। लेकर के आया जो एक मरीज के साथ में था। मरीज ने घर बताया कि ये मेरी जेब से पैसे निकाल रहा था, पैसे निकालते टाइम मैंने इसको पकड़ लिया। वो अपने आप को यूपी का रहने वाला बता रहा है। फिर मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, उनसे दो हेड कांस्टेबल धर्मपाल और वो आए, बच्चे को लेके गए। उन्होंने संबंधित मरीज को परिवार दर्ज कराने के लिए बोला, उसने मना कर दिया कि मैं तो परिवार दर्ज नहीं करा। पकड़ के ले गए, हम आगे क्या जो भी कार्रवाई होती है।